वेलकम बैक। एक बार फिर आप सबको संजीव कपूर का प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं कुक स्मार्ट विद संजीव कपूर इटालियन एपिसोड, मतलब इटली का खाना हिंदुस्तान में। भाई देखिए, आपने रिसोटो जो है वो तो देखा किस तरह से बचे हुए चावल से बनाया, लेकिन ये जो है ये पूरी तरह से एकदम ऑथेंटिक रेसिपी है और वेजिटेरियन जैसी पहली रेसिपी थी। और इसके अंदर आप देखेंगे कि एक और इंग्रेडिएंट है इटली में जो काफ़ी इस्तेमाल होता है, और वो है बैंगन। जी हाँ, बैंगन भी खाते हैं काफ़ी इटालियंस, तो इंडिया में हम खाते हैं, सब पसंद करते हैं। अब पास्ता एक मैं बनाऊंगा, और ये जो पास्ता है ये मेरे पास बढ़िया क्वालिटी का ड्रम बीट से बना हुआ पास्ता। अगर बढ़िया क्वालिटी का अगर पास्ता आपके पास हो तो अपने आप आधा काम तो हो ही गया। तो ये मेरे पास पास्ता जो है स्पाइरल पास्ता है, और ये ट्राई कलर स्पाइरल पास्ता, ये ट्राई कलर स्पाइरल पास्ता हम पकाएंगे। बाजार में आप जब पास्ता लेने जाते हैं तो ये देख लें कि बढ़िया क्वालिटी का पास्ता हो, तो ये ले लिया हमने। चलिए, ये जो बैंगन है इसके इस तरह से पीसेस काट लेते हैं। ये बैंगन के पीसेस, ये पैन ले लिया, इसमें एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ये ले लिया, प्याज बारीक कटा हुआ, और इमीडिएटली ये जो बैंगन है ये इसके अंदर, ये बैंगन ले लिया और इसमें तुरंत डाल दें नमक। इसमें डालने से क्या होगा कि इसका जो पानी है वो जल्दी से निकलना शुरू हो जाएगा और ये अपने पानी में फटाफट बैंगन पकेंगे। तो ये बैंगन और प्याज साथ साथ पका लेते हैं। चलिए, इस पे लगा दिया ढक्कन और इसको पकने देते हैं। ये जो ब्रेड क्रम्स हैं फ्रेश ब्रेड क्रम्स ने, भैया कि पास्ता के अंदर जब ब्रेड क्रम्स इस्तेमाल करते हैं ना तो उसका जो टेक्सचर है पास्ता का एकदम बदल जाता है और बहुत ही बढ़िया हो जाता है। इसमें थोड़ा सा दूध डाल लिया, ये हमने ले लिया। ये जो ब्रेड क्रम्स हैं ये इसके अंदर, तो ये लीजिए ब्रेड क्रम्स जी आ गए। इसको ब्रेड क्रम्स को भी हमने थोड़ा पका लिया, और अब इसके अंदर ये टोमेटो एंड बेजल सॉस, थोड़ा पानी। ये पानी इसलिए कि इसके अंदर जो टमाटर है ना बड़े महंगे होते हैं। ये लीजिए, और ये अब इसकी कंसिस्टेंसी कैसे, नाइस एंड थिक, काफी बढ़िया कंसिस्टेंसी आ गई। ये तो अपने आप में एक डिश तैयार हो गई बैंगन की। लेकिन अभी ये नमक स्वाद अनुसार, पेपर भी थोड़ा सा इसके अंदर, ये हो गया। चलिए, इसको मिक्स किया और इसके साथ इसको मिक्स करना है ये पास्ता। ये पास्ता, थोड़ा ऑलिव ऑयल, ये एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, और फिर लुक एट दिस, क्या मजेदार टोमेटो बेजल सॉस के साथ, एंड ये एकदम इटालियन टच। इसको बंद करते हैं, थोड़ा सा पार्मेजान चीज जिसके बिना मजा ही नहीं आता है, ये लीजिए। और अब ये जो बैंगन वाला पास्ता है, ओहो गर्मा गर्म स्पाइरल पास्ता, टोमेटो बेजल सॉस, बैंगन का फ्लेवर, टेस्ट, रंग, सब कुछ, लुक एट दिस। ये ऐसा बनने के बाद क्या कहते हैं, कुछ ना कहो सिर्फ खाओ। सिसिलियन पास्ता विद एग प्लांट बनाने के लिए 200 ग्राम ट्राई कलर्ड स्पाइरल पास्ता, 7 से 8 मध्यम बैंगन,
नमक स्वाद अनुसार 5 से 6 बड़े चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, 1 मध्यम प्याज कटा हुआ, 1 कप ताजी ब्रेड क्रम्स, 2 बड़े चम्मच दूध, 1 बॉटल टोमेटो बेसिल सॉस, ताजी कुटी काले मिर्च स्वाद अनुसार, 25 ग्राम पार्मेजान चीज के शेविंग्स। सिसिलियन पास्ता विद एग प्लांट बनाने के लिए एक गहरे नॉनस्टिक पैन में काफी सारा पानी गरम करें। उसमें एक सिलिकॉन कोलेंडर रखें, उसमें ट्राई कलर्ड स्पाइरल पास्ता डालें और ढककर पका लें। बैंगन को आधा काटें और हर आधे के 4 टुकड़े काटें। एक दूसरे नॉनस्टिक पैन में 2 बड़े चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल गरम करें, प्याज डालें और 1 मिनट तक भून लें। फिर बैंगन और नमक डालकर मिलाएं, ढककर मध्यम आंच पर पकाएं। ब्रेड क्रम्स को एक बोल में लें, उसमें दूध डालकर अच्छी तरह मिला लें। जब बैंगन नरम हो जाए उसमें ब्रेड क्रम्स डालें और मिला लें। 2 मिनट तक चलाते हुए पकाएं, फिर टोमेटो बेसिल सॉस डालें। बॉटल में थोड़ा पानी डालकर हिलाएं और पैन में डालकर अच्छी तरह मिला लें। नमक डालकर मिलाएं, ताजी कुटी काले मिर्च डालकर मिलाएं। पास्ता को पानी में से छानकर बैंगन के मिश्रण के साथ मिलाएं। बचा एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल डालें, पार्मेजान चीज के शेविंग्स डालें, सर्विंग डिश में डालें और गर्मा गर्म परोसें। facebook.com, ट्विटर दोनों पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। sanjeevkapoor.com, foodfood.com पर जाकर ढेर सारी रेसिपीज आपको मिल सकती हैं, टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत कुछ है। बस फायदा ही फायदा है, ज्यादा फायदा आपका है या हमारा है? जी हमारा फायदा है, क्योंकि आपसे मुलाकात हो जाती है ना रोज इसी तरह से। आज बस इतना ही, नमस्कार। अब टाइम है फिलिप्स कॉन्टेस्ट का। अगर आपकी बनाई हुई रेसिपी आपके चेहरे पे और किसी और को हैप्पीनेस देता है तो लिख भेजिए आप अपनी हैप्पीनेस रेसिपीज, जिनमें से सबसे क्रिएटिव रेसिपी को हर हफ्ते फिलिप्स की ओर से मिलेगा एक शानदार हैम्पर। बस फटाफट नीचे लिखे हुए एड्रेस पर अपनी हैप्पीनेस रेसिपी ईमेल कर दीजिए। और हाँ, ध्यान रखिए, ये रेसिपी आपकी तरह चार्मिंग भी होनी चाहिए। मैं इंतजार करूंगा आपकी हैप्पीनेस रेसिपी का।